एफटीसी फसल ट्रांसपोर्ट कंपनी और हमारा नंबर 63। तो भाई अब आपको फाइनल बता देते हैं कि आज के दिन इस गाड़ी का क्या क्या काम हुए। गाड़ी को कलर करके छोड़ दिया था तो ये रही गाड़ी, कलर देख सकते हो आप, एकदम अच्छे से हो गया है, सूख चुका है कलर बिल्कुल, फिनिश आ गई है कलर की पूरी, ऊपर टूल पर भी कलर पड़ेंगे। अभी जैसे धूप निकलेगी फिर करते हैं, धूप आज भी बहुत है। और ये बॉडी का कलर है बिल्कुल कहाँ सूखा, बिल्कुल तो नहीं सूखा होगा, थोड़ा बहुत तो फर्क है। ये तो बीच बीच में है, ये दोनों ने शाम को किया था, जो बाहर बाहर से है वो सूख गया है। तो आज जो भी लिखाई लिखुई होगी एफटीसी वगैरह वो आज धूप निकलेगी तो करेंगे। तो भाई अपनी गाड़ी का पैचिंग का काम शुरू हो गया, तो सबसे पहले कूलेटर निकाल रहे हैं नीचे, तो फिर ये पूरा रेडिएटर खोलेंगे, फिर ये पैचिंग करेंगे यहाँ से, और बाकी जो भी इसका प्रोसेस होगा, सेंटर वायरिंग की गुंडियाँ वगैरह वो लगाएंगे, प्रेशर टैंक स्टेपनी वगैरह सब कुछ करेंगे, तो आज इसका भी काम हो ही जाएगा। तो भाई चाबी पाने वगैरह आ गया है, औजार आ गया भाई इसे खोलने के रेडिएटर को, तो अभी काम शुरू होगा। डबल हो जाती है पर पैचिंग तो क्रैक नहीं होती, गाड़ी क्रैक नहीं होती है ना। हां जी, इस करके पैचिंग कर रहे हैं, मतलब ये चीज पहले पूरे क्रैक मार देना, पूरे तो ज्यादा कट होते हैं आ चीजें, आ चीज पैर हो गए। अच्छा जी, हां जी, हम बाहरी क्रैक हो जाती है ऊपरों। हां चलो जी, अभी के लिए बाकी फिर आगे आगे जैसे जैसे। तो भाई लगे हुए इसका रेडिएटर वगैरह खोलने, तो जब तक ये खोलते हैं तब तक देखते हैं दूसरी गाड़ी के पास जाते हैं। धूप तो अभी तक आई नहीं है, देखते हैं धूप कब तक आती है, फिर लिखाई का काम शुरू करते हैं। तो लिखाई का काम है वो शुरू हो रहा है, और हम आपको बताते हैं कि हम बाटी में क्या कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस तीन चीज़ें यहाँ हम लिखा देंगे, जैसे ऑल इंडिया परमिट लिखते हैं गोल सर्कल बना के, वैसे हम लिखेंगे फसल ट्रांसपोर्ट कंपनी, और सेंटर में 63 लिखेंगे, ये लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी मार्किंग कर दी है जो लिखाई करेंगे। और यहाँ आ गया अपने कंपनी का लोगो एफटीसी, और फिर यहाँ एंड पे हम बनाएंगे यहाँ इंडिया का फ्लैग। आमतौर में क्या करते हैं गाड़ी वाले, यहाँ बनाते हैं इंडिया का फ्लैग सबसे एंड में, लेकिन यहाँ में पौड़ियाँ जैसे आप देख सकते हो, तो फिर वो पैरों के बीच में आ जाता है इंडिया का फ्लैग, तो वो एक हिसाब की डिसरिस्पेक्ट हो जाती है फ्लैग की, तो इसलिए हम साइड में कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश का एजेंडा है तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ रखा है। तो देखते हैं दूसरी गाड़ी को क्या क्या किया हुआ है क्या नहीं किया हुआ है। तो खोल दिया इसका रेडिएटर, ये खोल के यहाँ रखा हुआ है, अब आप देख सकते हो यहाँ पूरे कॉर्नर्स में पैचिंग होगी, चेंज हो चुका है, पहले अब यहाँ करवा रहे थे, लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो बॉडी की बारी है वो आ गई है, तो अभी हम चेंज करके पहले यहाँ करने लगे, लेकिन यहाँ पे सीढ़ी है तो अब हम यहाँ करने लगे, यहाँ बनवाएंगे दूसरी तरफ भी इधर ही सेम हो जाएगा, तो अभी देखते हैं जब होती है। ये देखो मार्किंग हो चुकी है, आग जलाने के लिए लकड़ी का इंतजाम कर लिया है, ठंड बहुत है। दो बन चुका है अपना, बस थोड़ा बहुत रहता ही है, और एफटीसी भी लिख दिया है अपने, ये ब्लू लिखा है, अभी इसके बाहर सिल्वर कलर की आउटलाइन होगी वो करेंगे और आगे बताते। और यहाँ सर्कल बन के रेडी हो चुका है, बस इसके ऊपर भी जो राइटिंग होगी वो भी बताएंगे भाई। आज पूरे दिन से धुंध हटी नहीं है, फोटो व्लॉगिंग कर रहा है लड़का। तो भाई दिन के 3 बज चुके हैं और गाड़ी की लहरों को कलर हो रहा है, देख सकते हो आप लगे हुए अभी ये किया था, इसको सूखने के लिए छोड़ा हुआ है, फिर इसके ऊपर जो भी लिखाई होगी, और वहाँ भी टूल को भी रंग भरना है, वो बस थोड़ा बहुत किए हुए उसको भी करेंगे, आए फाइनल हो जाएगा पेट का बिल्कुल सभी काम जो भी रहता है छोटा छोटा, जैसे फिनिशिंग देखते हो ये सभी हो जाएगा आज।
सही है। और टायरों के मडगार्ड के अंदर ये वाले पोर्शन, ये भी रेड कर दिए, इसको भी प्रेमर बच गया। एक बार फिर से कोट होगा, फिर फाइनल हो जाएगा सभी में कि वो है। और जो भी ये कूनियाँ इनको करेंगे सिल्वर, जैसे ये होगी, ये होगी, बाकी जितने भी कूनियाँ लगी हुई है उनको सिल्वर करेंगे। और फ्रंट में आईएटी मार्किंग वगैरह उतार देंगे। ये भी टाटा के लोगों में, ये ग्रिल भी ब्लैक रह गई है, इसे भी पेंट कर देंगे कॉपर कलर। ये रहने देंगे, इसे क्रोम में रहने देंगे, बाकी ये ग्रिल जो ब्लैक है इसे कॉपर कलर कर देंगे। दूसरी गाड़ी के पास देखते हैं इसका कितना काम किया है, किया भी है या नहीं। तो भाई इसके फ्रेम फ्रूम बनवा के रख दिए, देख सकते हो आप। बस अब ये नया लगाना है, तो यहाँ भी जो कटिंग करनी थी वो करके रख दी हुई है, वहाँ भी आप देख सकते हो। तो भाई लगे हुए अपनी गाड़ी को पैचिंग करने, जब होती है पूरी फिर आपको बताते हैं। तो भाई लड़े देख सकते हो, काम हो गया है पूरा। और ये इंडिया का फ्लैग FTC देख सकते हो, ब्लू और ग्रीन की शेड दी हुई है। और यहाँ भी आप देख सकते हो FTC फसल ट्रांसपोर्ट कंपनी और हमारा नंबर 63 लगा दिया है। और बाकी ऊपर से बताते हैं टोल को आपको, जो ऊपर टूल के एंगलों को भी सिल्वर कलर कर दिए। ऊपर टूल देख सकते हो, उसके डब्बियां भी पूरी भर दी है, ये देख सकते हो आप, यहाँ से पूरा नहीं दिखेगा। अब क्या रह गया भाई, अभी बहुत कुछ रह गया भाई, अभी छोटे छोटे काम, जैसे खंडे रह गए, पीछे डाला रह गए, वो दूसरी तरफ टूल को कर रहे हैं। और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको अंदर से अभी रेड करना है, फ्रेम पर बच्चों का सब फुल फाइनल करना है। ये अभी डाले की बैक साइड रहती थी, ये करेंगे अभी। बाकी यहाँ ये पीछे रह चुके हैं, यहाँ भी कलर भरेंगे, और ये फटी हैं यहाँ भी। तो भाई देखते हैं, आओ तो देखते हैं कितना काम हो गया है अपनी गाड़ी का। हो गया, तो भी जो जो पैचिंग का काम था यहाँ वो हो गया है। जैसे आप देख सकते हो, पहले ये लगे हुए बाद में जाते हैं, तो अभी इसको करते हैं प्रिमर। तो भाई इसके अंदर पूरे के आगे तक पट्टी लगा दी है, और यहाँ अंदर की हुई है पानी पाया जी, है ना, ये जी पानी पाया जी, पानी नाल कलर दा प्रेम बिल्कुल। तो भाई अब आपको फाइनल बता देते हैं कि आज के दिन इस गाड़ी का क्या क्या काम हुए। तो ये आप देख सकते हो, ये एंगल यहाँ से घुमा के पूरा यहाँ को इसे पूरा कवर किया हुआ है, और पीछे यहाँ यहाँ से पूरा घुमा के एक एक बत्ती सीधी लगी हुई है। और दूसरा यहाँ इसके बीच में पूरे डैशबोर्ड को हुए आगे तक, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हुए। और बाकी देखते हैं इसके बाद अभी क्या क्या करते हैं, अभी तो अंधेरा हो चुका है। अभी बाकी देखते हैं, इसे प्रिमर भी मार के रख दिया हुआ है, तो कल इसे वाइट पेंट कर देंगे ताकि ये बिल्कुल लगे ना कि कुछ लगाया हुआ है एक्स्ट्रा।
स्टेपनी और प्रेशर टैंक अभी अपनी जगह में ही है, तो चलते हैं दूसरी गाड़ी के पास, देखते हैं उसका क्या रह गया क्या हो गया। ये बंदा सही नहीं है। ये बंदा क्यों? ये बहुत परेशान करता है, काम नहीं करने देता। काम नहीं करने देता तो फिर कहता है मेरा काम लेट हो गया है। 15 दिन गाड़ी इसकी वजह से लेट हुआ। हाँ जी, सफाई में कुछ कहना चाहोगे? खुद लेट करते हैं फिर कहते हैं भाई काम टाइम पर नहीं हो रहा है। तो भाई ये रहे स्पेयर फट्टे अपनी गाड़ी के तैयार हो चुके हैं जो यहाँ लगते हैं, तो ये भी लेके जाएंगे पेंट वेंट करवाए, फिर में देखते हैं क्या बनवाते हैं। इसका काम हमारा हो गया है तो आज पेंट का फाइनल हो गया है, कल इलेक्ट्रिशियन के पास लगा देंगे। तो हमारी 12 चक्का भी आज ये कंप्लीट कर देंगे, आगे से रेडिएटर वगैरह फिट हो चुका है, आज बिल्कुल फाइनल कर देंगे अपनी ये 12 चक्का भी। तो फिर इसके बाद लगा देंगे बॉडी वाले के पास जाल बुनने के लिए। तो भाई प्रेशर टैंक खोलने लगे और खोल के अंदर वाली साइड फिट करेंगे। तो भाई ये वाले स्टैंड बाहर थे, इन्हें उठा के अंदर वाली साइड लगा दिया, और प्रेशर टैंक वैसे ही है, कोई पाइप वगैरह नहीं खोली है, उसे ऐसे उठा के यहाँ लगा के क्लंप लगा के टाइट कर देंगे और टैंक अंदर लग जाएगा। तो भाई स्टेपनी हमारी खुल चुकी है, अभी इसे भी करेंगे शिफ्ट और ये टैंकी लग चुकी है। तो भाई आज का हमारा खाना है ट्रक में, तो जाते हैं खाना वाना खाते हैं। ये बंदे बैठे हुए बीच में यार, वही बैठे हैं गाड़ी में, ये गाड़ी अंदर से खाना बंद हो गए भाई। गेट दोनों बंद हो चुके हैं और गाड़ी भी हमारी दोनों फाइनल हो चुकी है। तो भाई ले लैंड की मीटर प्लेट भी बन के रेडी हो चुकी है। सच पुठे सीधे इस ले लैंड की मीटर प्लेट है, और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं।